देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका धरना शुरू हो गया है अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। आप जरा तस्वीर एक बार देख लीजिए, यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, मुझे कई विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ रोहित मेहरोलिया, रोहित क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन से? ये मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाता है। जो कह रहे थे 400 बार, आज इनकी हरकतों से पता लग रहा है 40 बार भी नहीं हो रहे हैं। आज मोदी जी ने अपनी बौखलाहट को जाहिर कर दिया है और ये तानाशाही की चरम सीमा है। अगर गिरफ्तार करती है तो आगे क्या करेंगे आप? आंदोलन से निकले लोग, आंदोलन चलेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और बता दें मोदी जी, इन हरकतों से आप जीतने वाले नहीं हो। दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार नेता को फर्जी केस में फंसाने की कोशिश करते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचारों को, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को। मेहरोलिया है विधायक और यहाँ पर जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो आवास है वहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं और उन्हीं से निपटने के लिए जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यहां पर अपनी तैयारी पूरी की है। ये तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री यहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के यहां पर किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, कानून व्यवस्था कायम रही है। देखिए यहां पर तस्वीर, ये बैरिकेड्स देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो गेट है यानी 6 फ्लैगस्टाफ रोड जाने का गेट है वो तो बंद है ही, इसके अलावा यहाँ पर जो ये बैरिकेड्स है वो भी यहाँ पर लगाए गए। तो पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है, 3 जगहों पर हैवी डिप्लॉयमेंट रहने वाला है। एक ये जगह, एक आम आदमी पार्टी का दफ्तर और एक ईडी का मुख्यालय। अभी जो खबरें आ रही हैं ईडी के सूत्रों से, ईडी अरविंद केजरीवाल को लेके भी जा सकती है। तो अब आगे क्या घटनाक्रम रहेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रिएक्शन किस तरह से रहेगा, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, ये इस समय की बड़ा ही अपडेट है कि कुछ ही क्षणों में लेके जाया जाएगा और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ईडी ऑफिस की। लेकिन क्रोनोलॉजी को जैसे मैंने आपको समझाया, क्रोनोलॉजी यही है कि अपनी बेस्ट लीगल रेमेडी को वो यूज कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी बचा हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस जो था ये नवंबर के महीने से शुरू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन मार्च में अब गिरफ्तारी हुई है। और लगभग 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार करेंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे, इसी तरह की बात आ रही थी। लेकिन लगता है आज वो पल, वो क्षण, वो आ गया है जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी बार बार कर रही थी। कहे तो कहा जाता है कि शेर आएगा, शेर आया, तो उसी तरह से ईडी भी आ गई है। इसे शेर कहिए या पॉलिटिकल टूल कहिए, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप कर लगा रही है वो अपने अपने मायने हैं। लेकिन किशोर मेरे साथ हैं, जिनके पास लगातार बड़ी सारी खबरें हैं। किशोर, ओवर टू यू।